इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। तंजीमों ने आवाज़ उठाई लेकिन भारत ने उस पर अमल नहीं किया, उसके ऊपर दबाव वो नहीं है। देखिए, जो यूनाइटेड नेशन ने आज से 2 साल पहले ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक रिपोर्ट इशू की, कश्मीर के ऊपर जो रिपोर्ट जारी की उन्होंने, उसमें उन्होंने तमाम लिस्ट किए हुए थे, खासतौर पर ख्वातीन के खिलाफ जो वहां पर बहुत ज्यादा जराइम हुए और उसमें भारतीय फौज मुलव्वस थी, और फिर इज्तमाही कब्रें जो वहां पर डिटेक्ट की गई उनमें लोग जो दफन किए गए हुए थे, तो बहुत सारा कुछ। और फिर पैलेट के जरिए जो लोगों की बिनाई चले गई वहां पे, पैलेट गन्स इस्तेमाल हुई, बहुत कुछ है वहां पे। लेकिन भारत ने अभी पूरी दुनिया के प्रेशर में, यानी ये अमेरिका वगैरह भी कंडेम कर रहा था कि वहां पे आप इंटरनेट बहाल करें, तो इन्होंने 4G बहाल किया कुछ पिछले 4 दिन पहले। उसके बाद इनको थोड़ी जरूरत हुई है कि ये एक ऐसा जाके टूर करा सके जहां स्पेसिफिक एरिया जहां पे इन्होंने तैयारी पहले से की हो, कुछ लोग बिठाए होंगे जो कहेंगे कि जी हम बड़े मजे में हैं, तो ये कंडक्टेड टूर करवा दिया जाएगा। जबकि इंटरनेशनल जो जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाने चाहिए, और फैक्ट फाइंडिंग मिशन जब जाते हैं तो वो कंडक्टेड टूर नहीं होते, वो इंडिपेंडेंटली दौरा करते हैं अपनी मर्जी से, जो जहां जाना चाहें और जो उनको खबर होती है, उनके पास जो रिपोर्ट्स हैं उनको वेरीफाई करने के लिए वो हर इलाके में जाते हैं। भारत वो नहीं करने देता। सो इतराज इस बात पे है कि आप कंडक्टेड टूर जाके करवा दें और उसका बाद उसका चर्चा करें दुनिया में कि जनाब ये देखिए हमने सब कुछ दिखा दिया, ये ढोंग है, ये डिसइंफॉर्मेशन है, ये धोखा है जो भारत हमेशा देता आया है। असल चीज ये है कि आप फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाने दें, जो कि जाके वहां से रिपोर्ट मुरतब करके देखे हैं, यूनाइटेड नेशन को बताएं कि वहां हो क्या रहा है। तो ये असल किस्सा ये है, भारत छुपाना चाहता है वो तमाम जराइम जो उसकी अफवाज ने वहां पर किए हैं। और ऐसे नहीं, अगर अमन आ गया होता, अगर सारा मसला होता, तो फिर वहां 9-10 लाख फौज रखने की जरूरत क्या है। वो रखी इसीलिए है, ये मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर ना पूछे वो अलग बात है, लेकिन अगर सब अमन है, अगर हर चीज ठीक है और भारत जाके उन लोगों को दिखाएगा कि जनाब देख लीजिए ये सब ठीक है, तो किसी को सवाल करना चाहिए कि भाई अब 9 लाख फौज क्यों रखी हुई आपने, ये वापस क्यों नहीं चले जाती अगर सब कुछ ठीक है, लोग बड़े राजी हैं। तो ये मसला है कि वो प्रेशर उन पर वो नहीं है, लेकिन हकीकतन फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाने चाहिए वहां। ठीक है अंबर, पहले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे इखलाकियात की। यहाँ पर जब इखलाकियात का जिक्र हम करते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि वो जगह जहां पर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है भारत ने, जहां पर लोगों को घरों से उठा के कत्ल कर दिया जाता है, खवातीन की आबरू रेजी की जाती है, लोगों को अगवा कर लिया जाता है, कोई अता पता उनका नहीं होता, उसके लिए पाकिस्तान आज आवाज उठा रहा है कि आलमी मीडिया से कुछ ना छुपाया जाए, आलमी मीडिया को एक्सेस दी जाए। लेकिन आलमी मीडिया और वो ममालिक जो इन्फ्लुएंस रखते हैं वो खामोश हैं, आखिर क्यों? देखिए, पाकिस्तान की हमेशा ये शिकायत तो रहती है कि आलमी मीडिया शायद इतनी कवरेज नहीं करता जो मकबूजा कश्मीर में मजालिम हो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो तासुर है ये इतना दुरुस्त नहीं है। अगर हमें कुछ मालूम हुआ है कि मकबूजा कश्मीर में क्या क्या मजालिम ढाए जा रहे हैं, चाहे पैलेट गन्स हो, चाहे गिरफ्तारियां हो, चाहे अखबारात की बंदिश हो, चाहे सहाफियों के साथ जो कुछ हो रहा हो, ये बैन अक्वामी मीडिया के जरिए है। मेरी जो बातचीत कश्मीरी सहाफियों से है, मेरे कुछ राबते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी स्टोरीज भी की हैं, और किस तरह से की थी, ये जब 4G भी बंद था वो स्मगल करते थे, लेकर जाते थे, बड़ा खतरा वो मोल लेते थे ताकि वो ये स्टोरीज तो है दुनिया को बता सके। वो तासुर भी गलत है, और ये तासुर भी गलत है कि बैन अक्वामी इंसानी हकूक के इदारे जो होते हैं वो बात नहीं करते, ह्यूमन राइट्स वॉच हो चाहे या एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, वो बार बार कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में जो जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां है उस पर आवाज भी उठाते रहे हैं। बल्कि मैं ये भी बता दूं कि इंडिया में भी कुछ बाज ऐसे बहुत कम रह गए हैं, और कुछ ऐसे संजीदा अखबारात हैं जहां ये भी कहा जा रहा है कि कश्मीर में कुछ मीडिया
अमर सॉरी आपकी आवाज में कुछ डिस्टॉर्शन है, आपकी बात में बार बार रुकावट आ रही है कुछ, आपसे मैं दोबारा आपको पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी। रजा आप तो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, आप क्या पिक्चर देखते हैं जब आपके सामने ये बात आती है कि भारत हकायक कुछ छुपा रहा है, तो वो कौन से हकायक हैं जो छुपे हुए हैं और वो कौन से हैं जो मंजरे आम पर आ रहे हैं? रजा आपकी आवाज भी नहीं आ रही, शायद आपका माइक ऑफ है। आसमा देखिए जी, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, मेरे साथियों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हाईलाइट की हैं। मैंने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि एक पाइप पाइपर की तरह, जैसे पाइप पाइपर की एक फेरी टेल है ना, उसकी तरह इंडिया पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट लेके फायर के अंदर झोंकने जा रहा है और इस चीज को हाईलाइट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। ये बेसिकली जो स्टेक होल्डर है उनकी जिम्मेदारी है। जितना एफर्ट आपके कश्मीर के लोग कर सकते हैं, सस्टेन कर रहे हैं, इस अनह्यूमनली कंडीशंस में वो सर्वाइव कर रहे हैं, इस प्रेशर को सस्टेन कर रहे हैं, सकम नहीं कर रहे हैं, कि उन्होंने एक विल अपनी जिंदा रखी हुई है आज़ादी की, तो अब ये उनको एक वॉइस की ज़रूरत है जो पाकिस्तान उन्हें प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन सैडली पाकिस्तान ने इसको स्ट्रेटजाइज नहीं किया, प्रायोरिटाइज नहीं किया। ये एक फरागत की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इसमें प्रॉपरली दुनिया के साथ सामने आप टेबल करेंगे बहुत सी चीजें। कश्मीर एक सिर्फ एक जमीन का खत्ता नहीं है, वो एक फ्लैश पॉइंट है जहां से पूरी की दुनिया की वेलबींग एट स्टेक हो सकती है। और हमारे पास एक जगह पे एक बहुत ही इरेशनल हेस्टी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें आप रिलैक्स करके सिट बैक नहीं कर सकते, ये फरागत की एक्टिविटी नहीं हो सकती, इसको स्ट्रेटजाइज करना है, इसको प्रायोरिटी पे एक प्रॉपर प्लानिंग की तरह आप दुनिया के सामने टेबल करें और कंसिस्टेंसी के साथ आप जितना फोर्सफुल तरीके से अपना केस दुनिया के सामने लेके जाएंगे तभी ये चीज दुनिया कन्विंस होगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाली बैठ के एक एक नजारा आप भी देख रहे हैं और आप ये अज्यूम कर लें कि दुनिया भी उसी आंख से उस नजारे को देख रही है। आपको पर्सपेक्टिव डेवलप करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें हम कंसिडरेबली लैक कर रहे हैं। हमने इसे एक फरागत की एक्टिविटी रख छोड़ा है कि जब कुछ नहीं होगा तो हम कश्मीर पे बात कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रायोरिटाइज करें, एग्रेसिवली आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल एग्रेसिवली इसको स्ट्रेटेजाइज करके, लॉबिंग करके। आपके जैसे सर ने कहा कि हमारे यूएन पे जितने लोग बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको आप एक सारे अपने ब्रेन को इकट्ठे करें, स्ट्रेटेजाइज करें और इसे एक इफेक्टिव तरीके से दुनिया के सामने पेश करें। एक देखिए बात यह है कि एक तो जैसे कि अभी अंबर ने कहा कि आलमी मीडिया की वजह से ही दुनिया में जो कुछ थोड़ी बहुत आगही हुई है कश्मीर के हवाले से, वो इसीलिए कि जो कुछ वहां पे 2019 से हो रहा है उससे पहले भी खैर बहुत बर्बरियत हो रही थी, लेकिन जिस तरह के इकदाम उठाए गए हैं उसको तो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड कवरेज मिली है और उसकी वजह से अब ये जो थोड़ी बहुत बात हो रही है वो हो रही है। और उसमें खैर ये बात जरूर है कि उसको कंसिस्टेंस एक मतवातर तरीके से उजागर करना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारा जो दफ्तर खारिजा है, जो हमारे सिफारत खाने हैं, होता है यहाँ पर खत्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा है धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में जो इंटरनेट बंद हुआ था, जो 4G सर्विसेज बंद हुई थी एक्चुअली में, उसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है। आपको बता दें 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 35A और आर्टिकल धारा 370 को हटाया गया था, उसके बाद से ही भारत ने कश्मीर में कुछ चेंजेस किए थे जिसके मतलब सिक्योरिटी के मद्देनज़र रखते हुए ये कदम उठाए गए थे कि इंटरनेट को बंद करना है और स्पेशली उन इलाके में जहां पर मिलिटेंसी काफ़ी ज़्यादा थी वहां पर बंद किया गया था और फिर जम्मू वगैरह में चालू था। तो पाकिस्तान को तो आपको पता है, पाकिस्तान के पास एक ही जुमला है कि मतलब कंप्लीट कर्फ्यू लगा है कश्मीर में पिछले 1-2 साल से। इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया करता है। तो फाइनली पाकिस्तान का ये भी डाउट क्लियर हो गया कि भारत ने अब 4G सर्विस एक्टिवेट कर दी है। अगर भारत ने वहाँ पर कोई कत्लेआम ये वो किया होगा तो वीडियो आ जाते। मतलब पाकिस्तान ने तो ऐसा कुछ बोला था कि बहुत मास स्केल में
कत्लेआम किए गए थे, इस तरीके की बात पाकिस्तानी मीडिया ने कही थी, आपको पता होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान को अब जलना ही जलना है, क्योंकि कश्मीर में बहुत सारे देशों के राजदूत राजनयिकों ने विज़िट किया है, जिसके बाद से पाकिस्तान अब ये आरोप लगा रहा है कि वो उन एरिया में जाएंगे जिन एरिया में भारत ने पहले से ही अपने प्लांटेड बंदे बिठाए। आपने अमजद शोएब को सुना, अमजद शोएब जैसे भिखारी लोग जिनके पास कोई लॉजिक नहीं है, इसी तरीके की फर्जी बातें करने के लिए मशहूर है, अब ये वही आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर ऐसा कुछ होता, अगर भारत ने बहुत कुछ किया होता तो 4G नेट चालू है, अब तक सारे वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाते और सारी दुनिया के सामने आ जाते। दोस्तों आपको समझना होगा कि कश्मीर में अब कुछ बदलाव आ रहे हैं, लोगों को उन के मतलब आपको पता है डेफिनेटली ऐसा तो रातों रात तो लोग सुधर जाएंगे नहीं। कश्मीर में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसी तरीके की पाकिस्तानी सोच रखते हैं जो आपने काफ़ी देखी होगी, लेकिन लोगों में चेंजेस आते हैं और शायद वो चेंजेस आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।